क्वाइट इजली बटन आसानी से बाहर आ जाते हैं। पोको का लेटेस्ट गाइस F5 आ चुका है और F5 पे आने से पहले आई होप आपको पोको का लास्ट फोन तो याद होगा, पोको X5 प्रो। उस फोन के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया था, मैंने नहीं कहता, फ़ोन काफ़ी वीक में था। लेट्स फाइंड आउट कि F5 कैसा है। बट यस, F4 काफ़ी सॉलिड फोन था बोथ इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप एंड बेंड टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट सारे तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं F5 के साथ में, क्या ये फ़ोन भी वैसा ही निकलता है जस्ट लाइक F4 या जस्ट लाइक X5 प्रो। लेट्स फाइंड आउट। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click view products to know more. ऑलराइट, हमने 5.5 मिनट के अराउंड टेस्ट किया, लेट्स सी क्या होता है। वैसे पोको के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड वाटर के टर्म्स में तो ठीक रहता है। क्या सिम ट्रे के इनसाइड में लिक्विड है? अगर है तो दैट मीन्स फोन के अंदर भी होगा। साउंड्स गुड। सिम ट्रे कम्प्लीटली ड्राई है, फिर भी थोड़ा सा शेक करते हैं, स्पीकर के अराउंड कुछ लिक्विड होगा। फ़ोन के इनसाइड में जाता लिक्विड जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज जितने भी लिक्विड ड्रॉप्स दिखाई पड़ रहे हैं ये इस स्पीकर एंड टाइप सी के राउंड से हैं। तो बेसिक स्प्लैशेस के लिए आई थिंक ये फ़ोन परफेक्टली ओके है। एक्सीडेंटली डिप हो जाता है देन कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पोको F5 में भी कंस्ट्रक्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पोको F4 में था। लिक्विड डिज़ाइन यहाँ पे चेंज ये नज़र आ रहा है, F4 में जो फ्रेम था वो स्लाइटली राउंडेड था और F5 में कम्प्लीटली फ्लैट है। इस फ्रेम का एक बेनिफिट ये होता है कि फ़ोन बेंड में होपफुली ज़्यादा सॉलिड निकलता है, वो तो आगे हम टेस्ट में फाइंड करेंगे ही। होपफुली यहाँ पे भी प्लास्टिक का ही फ्रेम होगा, यहाँ पे भी प्लास्टिक है, एवरीवेयर प्लास्टिक। एंड गुड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हेडफोन जैक भी वापस आ चुका है जो पोको F4 में नहीं था, अनलाइक दी लास्ट रेडमी K20 Pro जहाँ पे 20,000 में भी आपको सॉलिड मेटल का फ्रेम दिया जा रहा था। गुड ओल्ड डेज रेडमी। हाउ अबाउट दी वॉल्यूम बटन? लगता है ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। लास्ट रेडमी के फोन्स में बटन बहुत ही आसानी से बाहर आ जा रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बटन भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, नो मेटल। ऑलमोस्ट सभी मैन्युफैक्चरर इस प्राइस रेंज में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से प्रोवाइड करते हैं अगर एमोलेड डिस्प्ले दिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली शाओमी पोको में अभी भी प्राइस कट है और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। नथिंग बैड, ये भी एक बेटर कन्वीनियंट वे है। क्या ये स्क्रैच करने के बाद भी वर्क करेगा? आई एम श्योर आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को इतना ज़्यादा स्क्रैच नहीं करेंगे, बट मुझे स्क्रैच की भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हैवी स्क्रैच करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सिम ट्रे में बेसिक सा गैस्केट प्रोटेक्शन लगा हुआ है, दैट्स वाई आई थिंक लिक्विड अंदर नहीं गया है। थोड़ा सा सॉफ्ट और फ्लम्सी फील हो रहा है, जैसे कि बहुत ही आसानी से ये फ्लैक्स हो जा रहा है। एक्सीडेंटली अगर आपका सिम ट्रे मुड़ जाता है तो क्या उस केस में कुछ डैमेज होता है? सिम ट्रे स्लाइटली बेंड हो गया है एंड फिक्स भी हो जाना चाहिए, नो सच प्रॉब्लम। F5 में न्यू कैमरा डिज़ाइन आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि स्लाइटली इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं सैमसंग के प्रो फोन से, बट यस यहाँ पे कैमरा सेंसर ज़्यादा बड़ा है, लुक्स लाइक ये 300 मेगापिक्सल है जबकि सैमसंग में जस्ट
200 मेगापिक्सल फील हो रहा है। एंड डिज़ाइन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैमरे के अराउंड में एक रिंग बनी हुई है जिसमें बहुत सारे ऐसे माइनूट से फाइन लाइंस दिखाई पड़ रही हैं। नॉट श्योर इसके पीछे पर्पज़ क्या है। अगर ये लाइट जलती यहाँ पे तो शायद कुछ ज़्यादा ही कूल होता, जैसे कि ओप्पो के फ़ोन में आई बिलीव F21 Pro जहाँ पे रिंग लाइट थी फॉर टेकिंग माइक्रोस्कोपिक शॉट। लेट्स स्क्रैच इट, देखते हैं क्या कहानी यहाँ पे है। होपफुली ये प्लास्टिक होना चाहिए। यस, इसका पर्पज़ क्या है वो मुझे समझ नहीं आया। एंड उसके इनसाइड में जो यूजुअल कैमरा रिंग होता है ग्लास, उसके अराउंड एक मेटल, उस पर पेंट शॉप, इनसाइड एल्युमिनियम है, उस पर ब्लैक पेंट है। एंड यहाँ पे एक आप हेलो रिंग कह सकते हैं। साउंड्स गुड। फेमस 2 MP मैक्रो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, ये थोड़ा सा वियर्ड डिज़ाइन है। यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, बट यहाँ पे फ्री वाले में 2 MP का जो मैक्रो है उसमें प्लास्टिक दिया गया है। LED फ्लैश का सेपरेट कटआउट है, दैट मीन्स जो पैनल है वो प्लास्टिक का है। सुपर चीप, आई बिलीव ओप्पो F4 जहाँ पे ग्लास का बैक पैनल दिया गया था, इस बार यहाँ पे प्लास्टिक के पैनल दिया गया है। फोर्स आपको कोई स्किन और केस थ्रू यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ईयर पीस ग्रिल यहाँ पे काफ़ी टाइनी है और इसकी ओपनिंग भी बहुत ही स्लिम है, तो मोस्ट लाइकली ये डैमेज नहीं हो पाएगा चाहे जितना फाइन ऑब्जेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में आता है। लेट्स चेक आउट द डिस्प्ले फॉर द प्रोटेक्शन। मोस्ट लाइकली यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास यूज़ होना चाहिए, जैसे कि पोको F4 में यूज़ हुआ था, मे बी इट्स GG5। अगर हम स्क्रैच के पैटर्न देखें तो क्वाइट यूजुअल ऐसा मिलना चाहिए। अप टू लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टेनलेस स्टील, कॉइन, कीज, जिसके भी कॉन्टैक्ट में ये डिस्प्ले आता है उससे इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेकिन हार्डर ऑब्जेक्ट लाइक ग्रेनाइट, सैंड, डस्ट, इससे आसानी से इस डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। मूविंग टू द बैक साइड, अगर हम कैमरे लेंस की बात करें तो इस पर भी लेवल 5 तो कोई स्क्रैच नहीं है जैसा कि डिस्प्ले में है। लेवल 6-7 पे यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, चूँकि ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, तो बेटर यहाँ पे आप कोई स्किन मॉड्यूल लगा सकते हैं, आप थोड़े से एक्स्ट्रा स्क्रैचेस और बचा सकते हैं। टाइम फॉर द बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट कि AMOLED डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 9 सेकेंड लगे डिस्प्ले को बर्न होने में एंड ये कम्प्लीटली रिकवर भी जा रहे हैं, दैट्स ए गुड साइन। मैं आपको डार्क मोड ऑफ करके दिखाता हूँ वंस मोर। नाउ यू नो कि फोल्ड और फ्लिप 4 क्रिएटर्स के लिए कितना बेटर होता है। हियर इज अ क्विक शॉट फ्रॉम द फोल्ड 4। थोड़ी सी बर्निंग स्मेल है बट डिस्प्ले कम्प्लीटली रिकवर हो जा रहा है, दैट मीन्स इस डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट क्या ये फ़ोन पोको X5 Pro की तरह बेंड में फील होता है या पोको F4 की तरह पास होता है। लेट्स गिव अ ट्राई। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। फ़ोन में थोड़ा सा फ्लेक्स तो आया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, माइनर सा फ्लेक्स है, बट एज सच यहाँ पे कोई मेजर फॉल्ट हुई नहीं, जैसे कि यहाँ से ये आसानी से अंदर चला जा रहा है। कूल, सो फॉर वर्किंग चलिए बैक साइड से ट्राई करते हैं इन 3, 2, 1। रियर साइड से भी बेंड करने में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो जैसे मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि फ्रेम कम्प्लीटली फ्लैट कर दिया गया है जस्ट लाइक द आईफोन डिज़ाइन। एंड फोन में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी काफ़ी बढ़ गई है। सो दैट्स इट गाइस विद द पोको F5 ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट। बहुत से अमेजिंग फोन्स बचे हैं, लेट्स सी पोको F5 ड्रॉप के टर्म में कैसा निकलता है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।